हेलो इंटरनेट, आज हमारे पास एक लिनोवो का लैपटॉप आया हुआ है जो कि ऑन कंडीशन में है। बट इसमें इशू ये है कि ये कभी ऑन होता है, कभी नहीं ऑन होता। और इसकी अडेप्टर एंड बैटरी हमने दोनों भी चेक किया हुआ है, दोनों भी ओके हैं। तो चेक करते हैं मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे 19 वोल्ट, जो कि आप लोग मल्टीमीटर में देख सकते हैं, ये एकदम प्रॉपर है। और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे 3.3 वोल्ट, जो कि हमारा स्टैंड बाई सप्लाई होती है, वो भी एकदम प्रॉपर है। एंड 5 वोल्ट, 5 वोल्ट भी ओके दिखा रहा है। आप लोग डीसी की रीडिंग मार्क कर सकते हैं, ये 0.15 दिखा रहा है। अभी हम मदरबोर्ड को ऑन करेंगे। हमने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट कर लिया है, और जो इसका पावर बटन है हम वहाँ पे ट्रिगर करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा मदरबोर्ड ऑन हो रहा है या नहीं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा मदरबोर्ड है ये ऑन तो हो रहा है, लेकिन जो इसकी रीडिंग है वो 137-138 के आसपास जाके होल्ड हो जा रही है। मैं एक बार और इसको ट्रिगर करके देख लेता हूँ। तो ये वापस से वही जो रीडिंग पहले आ रही थी, उसी रीडिंग पे ये अभी भी है, ये ऑन नहीं हो रहा है। तो अब चेक करते हैं कि इसमें क्या सप्लाई बन रही है और क्या सप्लाई नहीं बन रही है। मैं इसके ऊपर की प्रोटेक्शन शीट निकाल देता हूँ ताकि चेक करने में काफ़ी इजी हो। मैं बोर्ड को एक बार वापस ट्रिगर कर लेता हूँ, और आप लोग देख सकते हैं जो मेरी सप्लाई है वो अराउंड 700 मिली वोल्ट के आसपास बन रही है, जो कि नहीं बननी चाहिए। ऑन करने के बाद हमारी जो सप्लाई रहती है वो कन्वर्ट होती है, जो डीसी टू डीसी जिसको बोला जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब लैपटॉप ऑफ रह रहा है, यानी कि सिर्फ हम डीसी को ऑन कर रहे हैं और ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, तो उससे पहले जो हमारी सप्लाई है वो 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट एकदम ओके है। बट ऑन करने के बाद जो हमारी सप्लाई है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है, जिसके वजह से हमारा मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है प्रॉपर से। तो इसको एक बार हम लोग डीएसओ की हेल्प से चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्जन का मॉस्फेट है, 3 वोल्ट ऑलवेज का, और मैं आपको 5 वोल्ट ऑलवेज का भी दिखा देता हूँ। ये मेरा 5 वोल्ट डीसी टू डीसी का मॉस्फेट है, ये मेरे 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट के कैपेसिटर्स हैं, और ये मेरी स्टैंड बाय आईसी है। ये मैंने कुछ ही महीने पहले रिप्लेस किया हुआ था। सो चेक करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो किस सेक्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टैंड बाय से पहले। तो हम लोग चेक करेंगे पहले 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, ये हमारा प्रॉपर है या नहीं। मैंने डीएसओ को ऑटो मोड पे रखा हुआ है, और चेक करता हूँ मैं सबसे पहले कि हमारा जो 3 वोल्ट है वो प्रॉपर है या नहीं। तो ये मैंने डीसी को ऑन कर लिया है, और आप लोग डीएसओ में देख सकते हैं ये हमें 3.3 वोल्ट दिखा रहा है। ये हमारा 5 वोल्ट है, ये भी ओके दिखा रहा है। ये मैं जो चेक कर रहा हूँ, ये मैं चेक कर रहा हूँ ऑटो मोड में। तो अब चलते हैं हम लोग सिंगल मोड में। तो मैं सेट कर लिया हूँ मैंने अपने डीएसओ को सिंगल मोड पे, तो हम एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ 3.3 वोल्ट को, देन उसके बाद हम लोग चेक करेंगे 5 वोल्ट को। आप लोग देख सकते हैं जो 3 वोल्ट है वो एकदम ओके है, ये हमें स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी लाइन जो है एकदम प्रॉपर है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे 5 वोल्ट को, चेक करते हैं उसकी कंडीशन क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमें थोड़ा ग्लिच दिखा रहा है। तो मैं अभी थोड़ी सेटिंग चेंज कर लेता हूँ मेरे डीएसओ की। अभी जो मैंने सेटिंग रखी है वो रखी है 2 वोल्ट पर डिवीज़न,
अब चेक करते हैं। अब लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारी 5 वोल्ट की लाइन है इसमें ग्लिच है। आप लोग कभी भी मल्टीमीटर से ग्लिच को नहीं चेक कर सकते, क्योंकि ग्लिच को अगर आपको चेक करना है तो आपको DSO ही लगेगा, बगैर DSO के आप नहीं चेक कर पाएंगे। मैं आपको 3.3 वोल्ट को वापस से चेक करा के दिखा देता हूँ। कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये ओके है या नहीं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये एकदम ओके है, और मैं मल्टीमीटर से भी आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करा देता हूँ। जैसा कि आप लोग मल्टीमीटर में देखिए, यहाँ पे आप लोग को 3.3 वोल्ट दिखा रहा है। एक बार मैं वापस से आप लोगों को चेक करा देता हूँ, आप लोग वापस से एक बार देख लीजिए। ग्लिच हमें ऐसा ही दिखाई देता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा आउटपुट का कैपेसिटर है वो फेल हो चुका है, या फिर जो 5 वोल्ट की लाइन है उसमें ही प्रॉब्लम है। तो हम लोग सबसे पहले जो काम है, हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे और चेक करेंगे हमारा इशू सॉल्व होता है या नहीं। तो अभी हम लोग इसकी जगह पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं ये टैंडलम कैपेसिटर्स, जो कि 330 माइक्रोफेरेड का है। तो आप लोग एक बार इसको इंस्टॉल करने से पहले एक बार इसको चेक कर लें, इसकी जो वैल्यू है वो प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, मैंने चेक किया हुआ है, ये ओके है, और मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ इसमें। कैपेसिटर चेंज करने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं, तो उसे हम चेक करते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये 3.3 वोल्ट की लाइन चेक करा देता हूँ। ये देखिए एकदम ये प्रॉपर है। और अब मैं आप लोगों को 5 वोल्ट की लाइन चेक कराता हूँ। तो अभी हम लोग चेक करते हैं 5 वोल्ट की। तो यहाँ पे मैंने 2 वोल्ट पर डिवीज़न रखा हुआ है, और मैं कैपेसिटर के आउटपुट में लगाया हूँ, ये देखिए। और मैं यहाँ पे DC मेरा ऑफ है, अब मैं ऑन करके आप लोगों को ये रीडिंग दिखा देता हूँ। ये मैंने DC को ऑन किया, और आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ग्लिच था वो फिक्स हो चुका है, और जो हमारी रीडिंग है वो अभी भी मतलब 15-18 के आसपास है। अगर ये सर्किट हीट हुआ रहेगा इसके वजह से रीडिंग हाई है थोड़ी। अगर आपके पास अच्छा ऑसिलोस्कोप रहेगा तो ही आप इसे चेक कर पाएंगे, वरना आप नॉर्मल ऑसिलोस्कोप से इसे चेक नहीं कर पाएंगे। हमारे इंडिया में ज़्यादातर यूनिटी का ही चलता है ऑसिलोस्कोप, लेकिन मेरे पास भी पहले वही था, और उसमें बेसिक आप टेस्टिंग के लिए, आप सीखने के लिए अगर आप ले रहे हो तो मेरे ख्याल से आप ना लें उसे तो ही बेहतर है। उससे अच्छा अब थोड़ा पैसा और डालकर काफ़ी अच्छे ब्रांड्स में आप ले सकते हैं, जैसे हैंटेक, रिगोल और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, टेट्रोनिक से आप उसमें भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप यूनिटी ले रहे हैं और सोचेंगे कि आपको सीखना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि वो पैसा वेस्ट है, आप उसे ना लें। तो चेक करते हैं हमारा मदरबोर्ड ऑन हुआ या नहीं। तो मैंने यहाँ पर DC को ऑन कर दिया है, और आप लोग रीडिंग भी देख सकते हैं, ये 19 वोल्ट एंड जो हमारा एम्पियर का कंजम्पशन है वो है 17। मैंने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट किया है, और ऑन करते हैं मदरबोर्ड। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है, जो एम्पियर का कंजम्पशन है वो भी काफ़ी 1 एम के आसपास से आ रहा है। इसमें मैं डिस्प्ले कनेक्ट करता हूँ और आप लोगों को डिस्प्ले दिखाता हूँ। ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो डिस्प्ले है वो आया या नहीं। आप लोग देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले आ चुका है।
अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.